हेलो एवरीवन, दिस इज तारिक खत्री फ्रॉम ग्रेस नेटवर्क। वेलकम टू अनदर एपिसोड। तो इस वक्त मैं हूँ यहाँ पर जेजे जंक्शन पे और आज हम एक्सप्लोर करेंगे जायका डिलीशियस फास्ट फूड। जी हाँ, बहुत अच्छी फैबुलस रेस्टोरेंट है और ये रेस्टोरेंट है सिंस 1980। जी हाँ, 1980 से लोगों को सर्व कर रही है और ये सर्व करते हैं चाइनीज आइटम, तवा आइटम, ग्रिल आइटम। और मेरे पीछे जो आप रौनक देख रहे हैं, ये रमज़ान है और रमज़ान में यहाँ पर स्पेशल इनका इफ्तार का आइटम लगता है, मोर देन 50 आइटम्स। सारे आइटम की जानकारी आपको देंगे एक एक करके और यहाँ पर हम अफ्तारी भी करेंगे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं जायका डिलीशियस फास्ट फूड एट जेजे। तो दोस्तों, वैसे तो जायका डिलीशियस फास्ट फूड की तीन ब्रांचेस है, जेजे हॉस्पिटल पे है, दो टाकी पे है और डोंगरी पे है, मगर इनकी मेन ब्रांच जो है वो जेजे पे है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी भीड़ लग चुकी है। इट्स ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं, 1 घंटा बाकी अफ्तारी को और काफी वेरायटी अभी भी है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि इसके पहले सारी चीजें सोल्ड आउट हो जाए। तो हमें गाइड करेंगे यहाँ पर आबिद है, यहाँ के हेड वेटर है, इनको यहाँ पर ज्यादा जानकारी है, तो इनसे जानेंगे सारी वेराइटीज के बारे में और इनके प्राइस के बारे में भी। चलिए हमको बताइए एक एक करके कि क्या क्या वेराइटीज है और इसके प्राइसिंग क्या क्या है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अभी। देखिए, ये चिकन कांडी है, ये चिकन कांडी है, व्हाइट वाला दोनों है, रेड और व्हाइट दोनों है। एक का 50 रुपीज का प्राइस, एक का 50 रुपीज है। और इसके आगे ये क्रिस्पी चिकन है। अच्छा, काफी बड़ी और ह्यूज साइज है, आपको हाथ में उठा के देख लूंगा। As you can see, काफी वैरायटी। और इसका क्या प्राइस है? 40 रुपीज का है। ये 40 रुपीज का। और ये चिकन खबूस है। चिकन खबूस, अच्छा, मतलब चिकन का सैंडविच जैसा बना हुआ है उसके अंदर। अच्छा, और ये इसके चिकन कटलेट है, सेव वाला है और अंडे वाला है। अच्छा, सेव लगा हुआ है, अंडे वाला है। ये इसका भी प्राइस 40 रुपीज। 40 रुपीज की प्राइस है। साइज भी काफी बड़ी है, पोर्शन भी काफी बड़ा। और ये वाले रंग बिरंगे चटनी कबाब है, चटनी कबाब है, अलग अलग टाइप की चटनी है, हरी लाल। और ये पेटीज है। अच्छा, पेटीज है, ब्रेड के अंदर जो स्टफ किया हुआ पेटीज है। और ये चीज बॉक्स पेटीज है, चीज बॉक्स पेटीज। और ये वाला जो है, ये मलाई कोफ्ता है, चिकन मलाई कोफ्ता, चिकन मलाई कोफ्ता। और ये मेरे ख्याल से हमारा रेगुलर जो बीफ का जो कटलेट होता है बड़ा साइज का, ये हर बार हर जगह पे इफ्तार में अवेलेबल होता है। और ये पंजाबी कांडी है, पंजाबी कांडी। और ये वो मटन कटलेट कांडी, मटन कांडी, करीम टिक्का जिसको बोलते हैं। और ये समोसा, समोसा कीमे वाला समोसा और चीज और कॉर्न वाला समोसा, चीज और कॉर्न वाला भी है और समोसे वाला भी है, और कीमा वाला भी है, कीमे वाला भी। और ये क्या है अभी? ये साटे है, चिकन साटे, चिकन साटे है। अच्छा, ये गीला वाला जो होता है। अच्छा, और ये वाला है क्या? ये चिकन मलाई कांडी है, चिकन मलाई कांडी। एंड ये वाले, ये कीमा और बटाटे का पेटीज है, कीमा बटाटा पेटीज। और ये वो शाही रोल है, शाही रोल चीज वाला होता है, चीज वाला शाही रोल। अच्छा, और अंडे वाले में भी फ्राई है, बगैर अंडे वाला। अच्छा, अंडा और बिना अंडा दोनों की चॉइसेस आर अवेलेबल, इट्स अप टू यू, जो आपको चॉइस करना है। और ये यहाँ पर अंडे में फ्राई, ये अंडे में फ्राई किया हुआ चिकन लेग पीस, काफी ह्यूज पोर्शन है। इसका क्या प्राइस है अभी? 120 है, 120 रुपए की बड़ी लेग पीस। और सॉस लेग, ये चिकन सॉस वाली लेग। अच्छा, ये तंदूरी करके बाद में सॉस में मैरिनेट किया हुआ। प्राइस 150 है, 150 का प्राइस है, विद सॉस के साथ आएगा। और ड्राई फ्रूट्स ऑन द टॉप है। और यहाँ पर है कटलेट, अच्छा सिमिलर आइटम है ताकि जो क्राउड को बटना चाहते हैं। और यहाँ पर कुछ आइटम है बॉक्स के अंदर भी। यहाँ पे ये क्या आइटम है बॉक्स के अंदर? इसमें दही वड़ा है। अच्छा, दही वड़ा है, मैंगो क्रीम है, मैंगो क्रीम है और अरबिक पुडिंग है, अरबिक पुडिंग। अच्छा, डेजर्ट्स के आइटम्स भी अवेलेबल है। और ये जो आगे जो है अभी, ये क्या है? वो मलाई सीख है। अच्छा, ये मलाई सीख आइटम है, ये येलो कलर में मस्टर्ड सॉस के अंदर पेशावरी मलाई सीख। अच्छा, और ये व्हाइट वाली सीख है, मलाई वाली सीख, मलाई वाली क्रीम सीख। और ये दोनों चिकन में है। जी जी जी। और ये चिकन में, और वो तंदूरी लेग है, ब्रेस्ट है, हाफ तंदूरी है, हाफ तंदूरी और ब्रेस्ट है। हाफ तंदूरी का क्या प्राइस है अभी? तंदूरी का 220 है, लेग पीस का 120 है, ब्रेस्ट पीस का 130 है। 130, 120 और 220। और वो चिकन लॉलीपॉप, मसाला लॉलीपॉप, चिकन का मसाला लॉलीपॉप। और ये क्या है अभी? बटर गार्लिक ड्राई है, बटर गार्लिक ड्राई।
ये सिंगापुर ड्राई है। अच्छा ये सिंगापुर ड्राई है, ये ड्रैगन ड्राई। ये सारी चाइनीज की वैरायटीज है मेरे ख्याल से। और बर्रा भी है, और बर्रा अच्छा चिकन बर्रा भी है, पेशावरी बर्रा भी है और तंदूरी बर्रा भी है। पेशावरी बर्रा एंड तंदूरी बर्रा भी। और ये यहाँ पर के मसाले वाले आलू, अगर आप आलू के शौकीन है तो यहाँ पर मसाले वाले आलू भी है। और ये लॉलीपॉप है, जी 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 पिज्जा पर लॉलीपॉप है। उधर बड़ा वाला शाही रोल है और वो तवे के आइटम्स है। चलो तवे के आइटम वहां से क्लोज से देखते हैं, तवे के आइटम्स। सो लेट्स हैव अ लुक एट द शाही रोल। गाइस लुक एट द साइज, ये काफी, ये शाही रोल स्पेशल शाही रोल है। इसमें क्या चिकन है? इसमें चिकन भुना भी रहता है, कीमा भी रहता है, चीज भी रहता है, दो चीज इसमें रहता है। अच्छा दो चीज रहता है, चिकन का कीमा भी रहता है और अंडे भी रहते हैं। और ये जो है वो मैदा रोटी है, मैदा रोटी है, बीफ का भी है और चिकन का, बीफ का भी है, चिकन का भी, चॉइसेस ऑफ टू वेरिएंट्स हियर। चिकन रोल भी है, चिकन रोल एंड बीफ रोल ऑल्सो। और वो जो है शामी कबाब है, वो शामी कबाब है। एज यू कैन सी तवा यहाँ पर है और गर्मा गर्म रोल्स एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। ये सारे टिक्के हैं, रेड मसाले में, व्हाइट मसाले में, ग्रीन मसाले में। ये अफगानी टिक्का है, अफगानी टिक्का, रेशमी टिक्का है, रेशमी टिक्का, पहाड़ी टिक्का, पहाड़ी, और येल्लो वाला है वो बंजारा टिक्का है। अच्छा बंजारा, लॉलीपॉप ग्रिल है। अच्छा और बंजारा तंदूरी है, रेशमी तंदूरी है, रेशमी लेग, रेशमी ड्रेस, लेग अपना नॉर्मल लेग और ड्रेस। मोर देन 10 वेराइटीज, मतलब ढाबे के जो आइटम है भिवंडी के वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। सो दीज आर ऑल द आइटम दैट हैज बीन सर्व्ड हियर इफ्तारी के अंदर। और ये इंडिविजुअल आप एक एक करके अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं और इफ्तार बॉक्स के अंदर भी कन्वर्जन कर सकते हैं। दे हैव अ इफ्तार बॉक्स एज वेल, उसकी भी प्राइसिंग जानते हैं यहाँ पर, ये इफ्तार बॉक्स है। सो दिस इज द इफ्तार बॉक्स यहाँ पर जायका का, एज यू कैन सी। ये अभी ये कितने आदमी लोग के लिए खा सकते हैं? चार आदमी आराम से खा सकते हैं, चार आदमी। और इसकी प्राइस क्या है? 700 रुपया इंक्लूडिंग एवरीथिंग। इसमें क्रिस्पी चिकन है और चटनी कबाब है, समोसे का 2 पोर्शन है और ये पेटिस है और रशियन कटलेट है, लॉलीपॉप्स है। इसमें डेट्स दिया हुआ है और छोटे पोर्शन है सारे टिक्के के और डेजर्ट में अरबिक पुडिंग है। सो मतलब आप अपने रिश्तेदारों को और आपके बिजनेस रिलेशंस को, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को अगर भेजना चाहते हैं तो इस तरह का कस्टमाइज बॉक्स यहाँ पर जायका डिलीशियस के अंदर आके ऑर्डर भी कर सकते हैं। और अगर डिलीवरी करना है तो आप डिलीवरी भी कर देते हैं, तो डिलीवरी भी एब्सोल्युटली फ्री है, आप यहाँ पर आके बुक कर सकते हैं। इनका टेलीफोन नंबर, बुकिंग की डिटेल्स सारी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके उनको नंबर सिलेक्ट करके उन्हें कॉल कर सकते हैं। चलिए ये तो यहाँ का बाहर का नजारा था, अभी अंदर से नजारा भी देखते हैं जायका रेस्टोरेंट्स के अंदर से, और मुलाकात करते हैं यहाँ पर अरफात भाई से जो ओनर है और इसके बारे में मजीद जानते हैं। आइए, इस वक्त मेरे साथ है यहाँ पर बिलाल शेख और हमजा शेख, जो बेटे हैं यहाँ पर के ओनर के, अरफात शेख के। और यहाँ पर कुछ मील बॉक्स जैसे नॉर्मल मैंने आपको दिखाया 700 वाले, वो भी यहाँ पर पार्सल हो रहे हैं और कुछ मिनी बॉक्स छोटे भी है, तो बिलाल से जानेंगे। बिलाल, इस पार्सल के छोटे मिनी बॉक्स के बारे में जरा व्यूअर्स को बताइए, क्या है ये? हमारा थ्रू रमजान का ऑर्डर है, 30 कंटेनर का। अच्छा मतलब पूरे रमजान में डेली 30 कंटेनर आपके कोई कस्टमर ने बुक किया हो जाते हैं, तो इसमें कितनी वैरायटीज है बेटा? 7 to 8 वैरायटीज रहती है। 7 to 8 वैरायटीज है, तो ये एक जैसी रोज रहती है या चेंज करते? हर दिन चेंज करते रहते। अच्छा हर दिन चेंज करते रहते, मतलब किसी को भी अगर ऐसा छोटा कस्टमर मील बॉक्स बनाना है तो आप लोग मील बॉक्स बना के उसको डिलीवर कर देते हैं। अच्छा, तो ये बड़ा जो मील बॉक्स है 700 वाला जो मैंने आपको दिखाया, गुड फॉर 4 पीपल, वो भी है। और अगर अपन कस्टमाइज कर सकते हैं, अच्छा इसके अंदर भी आप कस्टमाइज अपनी चॉइस के हिसाब से, इनके पास कुछ मील्स हैं जो डेली चेंज होते हैं, आप अपनी कस्टमाइज की वैरायटी के हिसाब से आप डेली चेंज कर सकते हैं अपने जो क्लाइंट्स हैं उन लोगों को देने के लिए। और छोटे मील बॉक्स भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पर के कंटेनर थे, मोर देन 40 to 50 वेराइटीज थी और यहाँ पर काफी अलग अलग वेराइटीज मुझे देखने मिली, काफी रंग बिरंगी टिक्के भी देखने मिले, कुछ चाइनीज वेराइटीज भी देखने मिली है। वैरायटीज में कितना टेस्ट है और कितने दमदार हैं ये तो इफ्तारी के टेबल पे ही पता चलेगा। तो इफ्तारी करेंगे हम हमजा के साथ और बिलाल के साथ। सो दोस्तों, लेट्स मीट द ओनर ऑफ जायका डिलीशियस फास्ट फूड के जो ओनर हैं अरफात शेख, उनसे मुलाकात करते हैं। तो अरफात भाई, वेलकम टू ग्रेस नेटवर्क ब्लॉग। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग अस आज इफ्तार के लिए यहाँ पर। तो आपके इफ्तार के आइटम की हमने बड़ी तारीफें सुनी है, तो सोचा आज आपको एक्सप्लोर किया जाए। बहुत सी आइटम हमने देखे, 30 से 35 वैरायटी है, तो इसमें मतलब ये पूरा अपना इन हाउस है, हम अपन खुद ही बनाते हैं क्या? अलग खुद ही बनाते हैं, खुद ही आपका उस्ताद वगैरह है, खुद ही बनाते हैं। बनाते और ये कितने साल से हमारा पूरा इस तरह का आइटम लग रहा है?
डैडी ने आपके स्टार्ट किए थे और आपने उसको कैरी फॉरवर्ड किया, मतलब बनाना बना के चालू करके खुद ही स्टार्ट करे थे, खुद ही स्टार्ट करा था, पहले अपने हाथ से बनाना चालू किए थे, फिर आहिस्ते आहिस्ते बड़ा खुद ही फ्राई कर देते। अच्छा, फ्राई करके फिर आदमी लोगों को सिखाया, फिर समझो अपना पूरा स्टार्टअप, फिर अपने और समझो आइटम बढ़ा दिए। तो वालिद साहब के टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं और अरफात ने मैंने सुना बहुत यंग एज से ही आपने ये रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी ले ली है वालिद साहब के बाद, तो आप ये रेस्टोरेंट को कितने साल से संभाल रहे हैं? पच्चीस साल हो गया। एट द वेरी यंग एज, जब यंग एज के अंदर हम कॉलेज में और टीन एज के अंदर मज़े करते रहे, उस वक्त से अरफात भाई ने यहाँ पर पूरा टेक ओवर कर लिया है और काफ़ी नई चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस की है। पहले मेरे ख्याल से तवा आइटम था, फिर इन्होंने चिकन टिक्का स्टार्ट किया है, फिर चाइनीज चालू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो आप काफी एक्सपांशन हो गया। अपनी कितनी ब्रांचेस हैं आपकी यहाँ? दो ब्रांचेस और मेन ब्रांच जेजे है और दूसरी एक डोंगरी पे है और एक दो टाकी पे है। तो अरफात भाई थैंक यू वंस अगेन हमें यहाँ पे इन्वाइट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब इफ्तारी पे बैठ के ट्राई करते हैं इनके सारे डिलीशियस आइटम ऑफ जायका डिलीशियस फास्ट फूड। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी हमारी अफ्तारी का आइटम सारा लग चुका है और आज हम अफ्तारी करने वाले हैं हमजा के साथ। तो हमजा, इसमें से सब में से तुम्हारा फेवरेट आइटम कौन सा है? मेरा ये है। अच्छा, ये कटलेस चिकन वाला और मटन है ये? अच्छा, मटन है और कौन सा आइटम? शाही रोल है। शाही रोल चीज वाला, बॉक्स पेटीज भी, मटन कटलेस, अरे चिकन कटलेस और रशियन कटलेस भी है, मतलब ऑलमोस्ट सब तुम्हारा फेवरेट ही है। तो साइज देख के आपको पता तो चल गया होगा हमजा भाई को सारी यहाँ की वैरायटीज पसंद है। तो जितनी वैरायटीज अफ्तार में थी उसकी एक एक वैरायटीज हमारे पास आ चुकी है। ड्राई आइटम्स में भी है, सेमी ग्रेवी में भी है और चाइनीज वैरायटी में भी है। चलिए टेस्ट करते हैं। अफ्तारी का टाइम बिल्कुल अनकरीब है, आप लोग भी अफ्तारी कीजिए और मैं भी अफ्तारी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आई विल ट्राई द बॉक्स पेटीज, इसकी बड़ी तारीफ सुनी है। बॉक्स पेटीज अंदर पूरा चिकन और चीज़ से भरा हुआ है और ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा के इसे फ्राई किया है। बहुत क्रिस्पी, क्रंची एंड लॉट्स ऑफ चीज इन इट। हमजा भाई तुमको कौन सा पसंद आ रहा है? अच्छा है। हमजा भाई तो कटलेट पे टूट पड़े हैं, हमजा भाई को कटलेट से पसंद आ रहा है। सो लेट्स ट्राई द सीक, या क्रीम सीक। फुल क्रीमी, हल्की स्वीट है, सावर, बहुत सॉफ्ट टेक्सचर है। सो दोस्तों लुक एट द साइज ऑफ द क्रिस्पी, और फुली सिर्फ ऊपर क्रिस्पी नहीं है, बहुत बड़ा पोर्शन है चिकन का। वेरी फ्रेश एंड वेरी क्रंची। और ये है शाही रोल। शाही रोल भी ट्राई करते हैं। हमको बताइए शाही रोल, ये चीज वाला शाही रोल? चीज वाला। ओहो क्या बात है, चिकन शाही रोल विद स्टफ्ड चीज, और चीज भी बहुत सारी है। काफी लाजवाब है। वो जो हमने चिकन सीख ट्राई करी क्रीम, उससे थोड़ा सा डिफरेंट मुख्तलिफ उसका टेस्ट है, बहुत अच्छा। सो दोस्तों ड्राई आइटम तो हमने सारी चक ली है, अब बारी है थोड़ी सेमी ग्रेवी आइटम के लिए। तो उसके बारे में जानेंगे यहाँ पर हमजा से। हमजा कौन सी वैरायटी? ये बटर गार्लिक है, ये सिंगापुर है, ये ड्रैगन है और ये पेशावरी सीख है और ये मलाई सीख। तो सबसे पहले क्या ट्राई करेंगे हमजा? ये चलो ट्राई करते साथ में तुम्हारे, बटर गार्लिक चिकन। हल्की फीकी, क्रीमी एंड लॉट्स ऑफ मेयोनीज इन इट। और अभी ये ट्राई करते हैं सिंगापुर येलो कलर में। चलो हल्का टैंगी, खट्टा मीठा, थोड़ा कोकोनट का फ्लेवर है विद मेयोनीज एंड क्रीम, है ना। अब थोड़ा स्पाइसी ये लग रहा है, थोड़ा स्पाइसी लग रहा है ड्रैगन, थोड़ा चटपटा। चलो अभी रेड वाला स्पाइसी ट्राई करते हैं। एज द कलर सजेस्ट, हल्की स्पाइसी, ड्रैगन फ्लेवर, चाइनीज का पूरा भरपूर फ्लेवर। ये पेशावरी सीख है, पेशावरी सीख ट्राई करेंगे अभी, येलो पेशावरी सीख। क्रीम वाली हमने ट्राई करी, अभी पेशावरी ट्राई करते हैं। बहुत डिफरेंट टेस्ट है क्रीम वाले में से, थोड़ा मस्टर्ड का फ्लेवर आ रहा है उसके अंदर, क्रीमी है और हल्की फीकी।
चिकन का जो फ्लेवर है ना वो बहुत एनहांस होकर आ रहा है। सबसे बड़ी बात वही है, मेन जो इंग्रेडिएंट्स होता है मीट होता है उसका फ्लेवर आना बहुत ज़रूरी है, वो इसमें भरपूर आ रहा है। जितनी भी वैरायटीज है यहाँ पर एक से बढ़कर एक है। सो गाइज, अगर आप भी ऐसी अफ्तारी करना चाहते हैं अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, तो ज़रूर विजिट करें यहाँ पर जायका डिलीशियस फास्ट फूड एट जे और सारी वैरायटीज का मज़ा लीजिए।